रियासी जिले के दरमाड़ी इलाके में एक मंदिर में हुई तोड़फोड़ के मामले में रियासी जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनों का सिलसिला कल रात से ही शुरू हो गया था और ये घटना जो है वो कल दोपहर की बताई जा रही है। और जब शाम को मंदिर में कोई शख्स पहुंचा तो उन्होंने देखा कि मंदिर में तोड़फोड़ हुई है और मंदिर में जो मूर्तियां हैं उन्हें तोड़ा गया है। इसके साथ ही शिवलिंग को भी नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ पर शिवलिंग था वहां से उखाड़ा गया है और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। और इसके साथ ही जिसके बाद आपको बता दें जगह जगह रियासी जिले में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। ये जो तस्वीरें अभी तक आप देख रहे हैं ये तस्वीरें धरमाड़ी की हैं। यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और SDM धरमाड़ी जो है वो भी मौके पर पहुंचे हैं और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देने की कोशिश इस समय की जा रही है। ये तस्वीरें धरमाड़ी की आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें रियासी में भी कल रात को प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ही अलग अलग हिस्सों में सलाल और अरनास में भी प्रदर्शन किया गया और अलग अलग हिस्सों में। ये रियासी की कुछ तस्वीरें हैं जो कल रात को रियासी में प्रदर्शन हुआ वो आप इस समय देख रहे हैं। इस मामले में धरमाड़ी में जो प्रदर्शन चल रहा है वहां पे जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या हुआ था, उनका क्या कहना है, क्या घटना, कैसे घटना ये पेश आई और अभी तक क्या जानकारी इस मामले में है। प्रदर्शनकारी जो इस समय धरमाड़ी में है उनसे जानने की कोशिश करेंगे, संजय कुमार जी से बातचीत करेंगे, वो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं। हेलो जी जी, संजय जी से बात हो रही है? जी जी संजय जी बताएं थोड़ा सा, आप धरमाड़ी में ही रहते हैं, क्या हुआ था पूरा मामला और अभी क्या स्टेटस है? अभी आप प्रदर्शन कर रहे हैं और कौन कौन अधिकारी मौके पर मौजूद है इस समय? जी अंजलि जी, कल की घटना है। कल दोपहर के समय, कल शाम को जब हमारे लोग मंदिर में गए तो मंदिर की पूरी तोड़ फोड़, शिवलिंग उखाड़ के फेंका हुआ था, मूर्तियां बिल्कुल तोड़ के चूर की हुई थी। और उसके बाद मुझे फोन किया, जब तो मैंने अजीम साहब को फोन करके बुलाया और वहां हम सभी लोग मंदिर में पहुंचे और बाकी वहां देखा गया बहुत पूरे तरीके से, वहां उन्होंने मंदिर में तोड़ फोड़ की थी। तो ये कल की घटना है और कल कब की घटना है कुछ स्पष्ट हो पाया है? शाम को ही कुछ लोग गए थे, कितने बजे गए थे जो भी लोग वहां पे पहुंचे? जी एक्चुअली कल हम हमारे लोग जो 6 बजे के बाद ही यहाँ शुरू किया, जब 2 लोग पहले गए तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने बातचीत हम लोगों को बताया कि हम सभी लोग गए, तो उसके बाद आज सुबह हमने प्रोटेस्ट वगैरह किया। हमारे हर इलाका में प्रोटेस्ट हुआ, जसाना, मोहर, खजरू, धरमाड़ी, मतलोत, नरलू, जैसे फिलहाल अरनाथ, सनपाल, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ जी। जी। कल और शाम से अंजलि ही जी ने जो प्रदर्शनों का सिलसिला था वो शुरू हो गया था। जी अंजलि जी, देखिए जी, कल पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे इस इलाका में और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा हिंदू मुसलमान बहुत अच्छा भाईचारा था, हालांकि हमने मिलते अच्छी फेस करी, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं मिला देखने को। लेकिन आज आज ये पहली बार हुआ, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि हमारा समाज जो हिंदू भाई, हिंदू मुसलमान भाईचारा रहे। और और देखिए ये भी जी, जानकारी मिली है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी आपके प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, इस समय वो भी बिल्कुल मौजूद बिल्कुल 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 अंजलि जी हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ सुबह से अभी तक धूप में बैठे हुए हैं। और ये किसी शरारती नहीं जी ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से कि ये हिंदू मुस्लिम को प्रसाद हो, लेकिन ऐसा अंजलि हम तो नहीं करेंगे। लेकिन हमने एडमिशन से ये रिक्वेस्ट की कि अगर हम इनको समय दे रहे हैं कि परसों सुबह तक अगर ये जो पिलपिल रहे पकड़े नहीं जाएंगे, हम परसों से फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। जी चलिए, अभी SDM धरमाड़ी मौके पर है। जी अंजलि जी, SDM धरमाड़ी है, SP रियासी है और SHO अरनास है, तहसीलदार अरनास जी, सभी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ स्पॉट पे सुबह से हमारे साथ है। जी तो क्या बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कहा है कि अभी तक कोई जानकारी मिली है कि किसी को हिरासत में लिया हो या कुछ ऐसा बताया है उन्होंने आपको? चलिए तो आपको क्या लगता है कि क्या माहौल खराब करने की एक सोची समझी साजिश हो सकती है ये, ताकि इस तरह के करके माहौल खराब किया जाए? और आप क्या चाहते, आपको लगता है कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि माहौल खराब हो जिससे कि आपसी भाईचारा खराब हो, लेकिन आप लोग इकट्ठे प्रदर्शन वहां पे कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, देखो जी, जिसने भी सोचा है, जो प्लानिंग है और बड़ी
बहुत बड़ी साजिश के तहत जो सारा रचा था, जो सारा प्लान हमने, और ये इसीलिए किया था कि जहाँ पर हिंदू मुसलमान हो और जहाँ फसाद हो, लेकिन ऐसा हम कभी नहीं करेंगे जहाँ हमारा हिंदू मुसलमान बहुत अच्छा भाईचारा है, क्योंकि सुबह से देर वीडियो में कि हिंदू मुसलमान सब लोग हम इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, रियासी से भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपको बता दें कि अपील की है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाए। तो अभी क्या प्रदर्शन आपका जारी रहेगा या प्रदर्शन को अभी फिलहाल खत्म करेंगे या फिर जब तक पकड़े नहीं जाते जारी रहे? आज नहीं, हम अभी क्लोज कर रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमें समय दे दो, उन्होंने कल का समय मांगा है, कल शाम तक उन्होंने कहा कि कल शाम तक हमें समय दे दो, हम काम करेंगे इसके ऊपर, और हम भी उनको कवर कर रहे हैं जितने भी पब्लिक है जहाँ पे, और यही हमारा होगा कि अगर कल शाम तक ये नहीं पकड़े जाए तो परसों से फिर दोबारा हम रोड पे उतरेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। जी जी, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। जी जी जी, तो आपको बता दें कि डीसी रियासी से भी हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि इस समय प्रशासन का साथ दें क्योंकि जो प्रदर्शन चल रहे हैं तो पुलिस को वहां पे लगाया जा रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो जो पुलिस का काम है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और PSA लगाने की बात भी प्रशासन द्वारा कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो भी माहौल जिसने भी खराब करने की कोशिश की है या फिर मंदिर में जो तोड़फोड़ की है उसके खिलाफ PSA भी लगाया जा सकता है। तो जगह जगह पर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कल धर्माड़ी के एक मंदिर में मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ हुई है और शिवलिंग को के साथ भी तोड़फोड़ हुई है, जिसके बाद से लोगों में गुस्सा है और लगातार प्रदर्शन जो है रियासी जिले के अलग अलग हिस्सों में किए जा रहे हैं, और अब प्रशासन ने वक्त मांगा है लोगों से ताकि वो आरोपियों को पकड़ें। और अब जो संजय कुमार जी का भी कहना है कि हो सकता है कि ये थोड़ी देर के लिए जो प्रदर्शन है वो बंद करें, और पुलिस पर इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द पुलिस जो है प्रशासन जो है आरोपियों को पकड़े और उन्हें सलाखों के पीछे डाले। तो रियासी से भी एक वीडियो जो है वो सामने आया है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ये अपील की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए क्योंकि माहौल खराब करने की कोशिश जो है कुछ लोग करना चाहते हैं। भाईचारा है हमारे जिला के अंदर, हम तमाम प्रांतियों के लोग जो है प्यार मोहब्बत खलूस और इखलास के साथ यहाँ पर रहते हैं और एक दूसरे की ब्याह शादियों में मरने जीने में खुशी गमी में शामिल होते हैं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो शरारती अंसर हैं यहाँ पर, वो जो आग यहाँ पर लगाना चाहते हैं, मैं उन शरारती अंसर से भी कहना चाहता हूँ कि वो इन हरकतों से बाज आए। ऐसा ना हो कि जनता जो है, जनता जब बाहर निकलेगी तो आप पुलिस से पहले कहीं आप लोग जनता के हत्या अगर चढ़ गए तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए फिर से गुजारिश है, और हमारे इमाम जामे मस्जिद जो है वो आए हैं जहाँ गवर्नमेंट के लिए, वो भी हमारे जो मंदिर में जो हरकत हुई है धर्माड़ी के अंदर और जो किसी शरारती अंसर ने तोड़ फोड़ की है उस पर गवर्नमेंट के लिए ये मजम्मत करेंगे। तो सबकी ये मांग है कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई है उन आरोपियों पर की जाए क्योंकि इस समय लोग जो हैं वो गुस्से में हैं और प्रदर्शन लोगों के लगातार कल रात से ही होना शुरू हो गए थे। तो डीसी रियासी ने कहा है कि थोड़े उन्हें वक्त भी दीजिए और उनका साथ भी इस मामले में दीजिए ताकि जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और PSA लगाने की लोगों की भी मांग है और प्रशासन ने भी ये कहा है कि जो भी माहौल खराब करेगा उस पर PSA लगाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।